सर मॉर्निंग, हमारे मार्केट्स तो मजबूत हैं ही, इंटरनेशनल मार्केट्स का भी सपोर्ट है। सर आज क्या करना है हमें, कैसी एक्सपेक्टेशन है निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स? देखिए बहुत ही बढ़िया संकेत है ग्लोबल मार्केट से, अमेरिकी बाजार में भरपूर तेजी होती दिखी और शायद जो परसों रात को डाउ की मीटिंग फेड की मीटिंग के बाद डाउ ने जो है ऊपरी हिस्सों से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, कल बाजार को ज्यादा अच्छे तरीके से पॉलिसी समझ में आई कि आगे किस तरह का डायरेक्शन है और कल जिस तरह से ओवरऑल तेजी हुई है, सारे इंडेक्सेस मजबूती के साथ बंद हुए और फिर से एक नया लाइफ हाई बनाया है। ये अमेरिकी बाजारों की मजबूती और फेड की मीटिंग के बाद के आगे के डायरेक्शन को बाजार की तरफ से दिखा रहा है। सो हम भी ग्लोबल संकेत अच्छी तरीके से लेंगे। दूसरी तरफ फ्लोज के लिहाज से देखें तो कल फिर से हमारे यहाँ लोकल फंड दो तीन दिनों के आराम के बाद खरीदारी के मूड में आते हुए दिखे हैं, वो भी शायद इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि एक बार पॉलिसी निकल जाए तो उसके बाद फिर से खरीदना शुरू करेंगे। एफआईएस की तरफ से हेल्थकेयर की प्रॉफिट बुकिंग कल ऊपरी स्तरों से आते हुए दिखिए, कोई खास चिंता की बात नहीं है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, एक बार फिर से लाइफ हाई बनाने की कोशिश भारतीय बाजार करेंगे, उस तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक और अच्छी बात है कि कल के उतार चढ़ाव भरे सेशन में और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो करेक्ट हुए हैं उसमें हमारे बाजार हल्के भी हो गए, तो वो भी एक अच्छी बात है कि लोगों ने डर के मारे पोजिशन जो सुबह बनाई थी वो काफी हद तक कम भी की है। सो मेरा ये समझना है तेजी की तरफ हम और आगे बढ़ेंगे। सपोर्ट लेवल अब जो निफ्टी पर आपको आज के लिए मानकर चलना है वो है 25,375 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 25,475 से 25,575 यहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी 52,750 अब आज के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा जो शायद हो नहीं ना हो। ऊपर की तरफ लाइफ हाई जो है 53,350 के आसपास कल हम लगभग उस लेवल के आसपास पहुंचे हैं और मुझे लगता है आज एक बार फिर से अटेम्प्ट करेंगे, हो सकता है बैंक निफ्टी आज एक नया लाइफ हाई बनाने की कोशिश कर ले, ड्यू भी है काफी लंबे समय से। सो 53,175, 53,350 ये ऊपरी रेंज है और एक बार 350 के ऊपर निकले नया लाइफ हाई बनाया तो बैंक निफ्टी भी फिर आपके लिए ब्लू स्काई जोन में जाता दिखेगा। सो ओवरऑल बायोडिप्स की रणनीति तेजी के रुझान में बने, आपको जो शेयर पसंद है जिन्हें आप खरीदने की लिस्ट में लेकर रखे थे अब आपके लिए धीमे धीमे वहां पर एक्यूमुलेट करने का खरीदने का मौका बनता हुआ दिख रहा है। जी थैंक यू सर हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो एक और रिकॉर्ड स्ट्रेंथ का सेशन हो सकता है और इस बार कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में सर का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर है, ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको आज फोकस करने की जरूरत है। चलिए सीधे चलते